नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि माता प्रकृति जो है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि माता प्रकृति बड़ी दयालु है और हम सब जो इसके बच्चे हैं उन्हें ये शुभ और अशुभ के बहुत सारे संकेत भी देती है। जब भी जीवन में कोई शुभ घटना होने वाली होती है, कोई अशुभ घटना होने वाली होती है, तो माता प्रकृति सपनों के माध्यम से हमें संदेश देती है। हम उन संदेशों को समझ लेते हैं तो लाभ में रहते हैं, और नहीं समझ लेते हैं तो उन घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। शिकार का मैंने इसलिए कहा कि शुभ घटना के भी हम शिकार हो सकते हैं और अशुभ घटना के भी शिकार हो सकते हैं। शिकार इसलिए हो सकते हैं कि अचानक जीवन में आई शुभता हमारी मानसिक स्थिति को झकझोर कर रख देती है और एकदम हमारी मानसिक स्थिति उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती, प्रिपेयर नहीं होती, तो हम किसी नुकसान में चले जाते हैं। तो अचानक आई खुशखबरी, अचानक आई जो खुशी होती है वो भी हार्ट के लिए भी थोड़ा हानिकारक होती है। तो शुभ और अशुभ दोनों चीज़ों के संकेत माता प्रकृति पहले दे देती है ताकि हम अपनी प्रिपरेशन पूरी कर लें, अपनी तैयारी पूरी कर लें। अशुभ घटना का संकेत हो, इसका मतलब है कि आगे भविष्य में हम पूरे सावधान रहें। तो आज मैं कुछ ऐसी चीजें लेके आया हूं जो यदि सपनों में रात को अगर दिखाई दे जाए तो उसके मतलब 100% अशुभ होते हैं भविष्य में, और उन चीजों को देखने के बाद में भविष्य के प्रति आपको बड़ा सशंकित और ध्यान से आगे के जीवन को जीना पड़ता है। क्योंकि आगे के जीवन में जब ऐसी बुरी घटनाएं होने की संभावना रहती है तो पूरी सजगता, पूरी जागरूकता आपको रखनी पड़ती है, नहीं तो आप शिकार होने की पूरी संभावना में आ जाते हैं। ऐसी क्या चीजें हैं जिनके देखने से भविष्य में ऐसी बुरी घटनाएं हो सकती है, तो आज मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से ना सुने और इन चीजों को अंडरलाइन करके रखें ताकि भविष्य में कभी दिखाई दे जाए तो तुरंत मैं इसके उपाय भी बताऊंगा आगे, वैसा करने से आपको अशुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी। समझे बात को? तो सपनों में यदि आपको रात को कौवा दिखाई दे तो कौवे का दिखना सपने में बहुत ही अशुभ माना जाता है। यदि वही कौवा आपके भोजन को चुराता हुआ या किसी के भी कहीं से भी भोजन को चुराता हुआ दिखे तो 100% आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अनिष्ट होने वाला है और आपको आगे फिर सावधानी की पूरी आवश्यकता है। अगर रात को सपने में आप अपने आप को यात्रा करते हुए देखते हैं, कहीं भी किसी भी ट्रेन से, बस से, किसी भी वाहन से यात्रा करते हुए खुद को देखते हैं तो सपने में यात्रा करते हुए देखना शुभ संकेत नहीं होता है। निकट भविष्य में जल्द ही आपकी अगर कोई यात्रा हो रही होती है तो उसे तुरंत स्थगित कर दें, क्योंकि उसके परिणाम आगे बहुत खराब आने की संभावना रहती है। ये दो बातें हुई। तीसरी बात यह हुई कि सपने में यदि आप मुंडन करवा रहे हैं या सपने में आपके सामने किसी का भी मुंडन हो रहा है तो यह किसी की मृत्यु का संकेत है या फिर किसी भारी बीमारी का संकेत है। अगर सपने में आपके सामने कोई मुंडन हो रहा है तो परिवार या आपके जान पहचान वालों में से या आप स्वयं बहुत बुरी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। आगे की चीज ऐसी है कि यदि सपने में आप गधे की सवारी करते हैं या सपने में गधा दिखाई देना बहुत बुरा माना जाता है, बहुत अशुभ माना जाता है, लेकिन इस पर भी यदि आप गधे की सवारी करते हैं और उस पर भी यदि गधा आपको दक्षिण दिशा की तरफ लेकर के जाता है तो ये परम अशुभ है, परम सुपर अशुभ है और ये मृत्यु के निकटस्थ होने की, यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट या फिर मृत्यु होने की पूरी संभावना को उजागर करता है। इसलिए ऐसा सपना आने पर आगे जो मैं उपाय बताऊंगा उस उपाय का पूरा ध्यान रखें और वो उपाय आप करें। अब बात, सपने में यदि आप सूखे फूलों की माला पहनते हैं या देवता को पहनाते हैं, सूखे फूलों का आपको सपने में पता चल जाता है, सूखे फूल है कि गीले फूल है, वो सब चित्रों की भाषा में सपने होते हैं और आपको आराम से उसमें पता चल जाएगा कि सूखे फूलों की माला आप भगवान को पहनाते हैं या स्वयं पहनते हैं तो ये भारी कष्ट का मामला आपके सामने आने वाला है। इससे सूखे फूलों की माला पहनाने से कोई आप पर आरोप लगाता है और उस आरोप के कारण आपको भारी बदनामी का आगे सामना करना पड़ता है।
यदि ऐसा हो तो भी आप आगे बताए गए उपाय को काम में लें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं कि यदि सपने में आपको सफेद रंग का कपड़ा दिखाई दे जाए, कोई भी सफेद रंग का कपड़ा आपको दे रहा हो या आप किसी को दे रहे हो, सफेद रंग का कपड़ा आपको सपने में दिखाई दे जाए, तो इसका मतलब 100% ये होता है कि आपके परिवार में से या आप स्वयं आत्महत्या की तरफ अग्रसर होंगे या आप झूठे आरोपों में बुरी तरह से घिर जाएंगे। कोई कोर्ट केस होगा, पुलिस केस होगा, जिसमें आपको भारी संकटों का सामना करना पड़ सकता है। यदि ऐसा है तो आप क्या करें, यदि इनमें से कोई भी सपना आपको आ जाए तो आप भगवान शिव के मंदिर जाएं और महामृत्युंजय मंत्र की एक माला आप 3 दिन तक लगातार मंदिर में जपें और भगवान से अनिष्ट के न होने की प्रार्थना करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो हमने सपने देखे जिनका बुरा परिणाम कभी ना हो, ऐसी हम पर कृपा करें कि हमको अच्छा परिणाम ही मिले। तो ऐसा करने से भगवान की कृपा होगी और जो प्रकृति द्वारा दिए गए बुरे संकेत हैं वो स्थिर हो जाएंगे, आपके खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और आपको बुरे परिणामों से प्रकृति बचा करके ले आएगी। इस तरह से माता प्रकृति दयालु होती है, हमें अच्छे और बुरे परिणाम पहले से ही संकेतों की भाषा में सपनों के माध्यम से दिखा देती है, जिन्हें देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा मित्रों।